किचन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड की मिठाई। तो मिठाई बनाने के लिए हमने लिया है ये वाइट वाला ब्रेड है, आप कोई सा भी ब्रेड ले सकती हैं। और ये हमने लिया है नारियल का बुरादा, 250 ग्राम हमारा चीनी है जिसका हम चाशनी बनाएंगे। तो हम ब्रेड को दो भागों में काटेंगे, जिस वो क्या कहते हैं हम ब्रेड का पकौड़ा बनाते हैं ना, तो दो भाग में इसी टाइप के काटते हैं, तो वैसे हम इसको भी काट लेंगे। आप चाहें तो ना भी काटें, साबुत ब्रेड का भी बना सकती हैं, लेकिन हम काट के बनाएंगे। ऐसे हम सारे ब्रेड को काट लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने सारे ब्रेड को काट लिए हैं, इस तरह से हमने काट लिया है। तो सबसे पहले हम चाशनी को बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम एक कटोरी चीनी और एक कटोरी से थोड़ा कम हम पानी, तो चाशनी के लिए हमने एक कटोरी चीनी और एक कटोरी से थोड़ा कम हमने पानी डाला है। और इसको जिस तरह हमें जलेबी की चाशनी बनाते हैं ना, उसी तरह हमें चाशनी बनानी है। तो ये एक साइड चाशनी बन रहा है, तब तक हम ब्रेड को तल लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमने कढ़ाई में ऑलरेडी तेल डाल रखा था, तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, इसमें हम ब्रेड को डाल देंगे। जितना ब्रेड हमारा आ जाए तेल में उतना ब्रेड हम डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम तल लेंगे। ब्रेड की मिठाई बनाने का बहुत इजी तरीका है और बिल्कुल जल्दी सा बन जाता है, कोई भी टाइम नहीं इसमें लगता है, झटपट बनने वाली मिठाई है। आप देख सकते हो ब्रेड हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हमने इसको पलटते पलटते हुए सेक लिया है और इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। बाकी के ब्रेड भी डाल देंगे। देख सकते हो चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है, इस तरह की चाशनी हमें तैयार करनी है। तो चाशनी हमारी बन चुकी है, गैस को हम ऑफ करते हैं। देख सकते हो हमने सारे ब्रेड को तल लिए हैं गोल्डन ब्राउन, कितना क्रिस्पी हमारा गोल्डन ब्राउन तला हुआ है। इसको हम चाशनी में डुबोएंगे। इस तरह से हम सारे ब्रेड को चाशनी में डुबो देंगे और एक एक करके हम निकालते जाएंगे। सारे ब्रेड को हम चाशनी में डुबो कर चाशनी हमारा गुनगुना है, ठंडा नहीं बिल्कुल करना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम नारियल के बुरादे को इस पे लगा देंगे, सजा देंगे, ताकि टेस्टी भी बने और देखने में भी हमारा ये मिठाई अच्छी बने। तो देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा ब्रेड का ये मिठाई। इसके आगे तो आप बाकी मिठाइयाँ भूल जाएंगे खाना और बार बार इसी को बनाकर खाना चाहेंगे। तो इस तरह से आप भी बनाइए अपने घर में, जब भी कुछ मीठा खाना हो आपको घर में, इस तरह की ब्रेड की मिठाई बना सकते हैं। काफ़ी टेस्टी और लाजवाब मिठाई है ये, तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। और यदि हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।